वो आँख बनवाते हैं, देखते हैं इतना सेवा, जिसके पास पैसा नहीं है आज के डेट में उनका इलाज करवाना है, तो ये सब कुछ तो इसमें शक्ति है ईश्वर का। ईश्वर ने ही हाथ पकड़ा कर लाया था यहाँ। हम तो भगवान को मानते हैं कि भगवान हर एक किसी हर एक रूप में, जो जिस रूप में मानेगा उसी रूप में है, तो ईश्वर लाए इस आश्रम में। हम देखे यहाँ का वातावरण और शांति, ढूंढते ही अनुभव होता है कितना गहन शांति है। इस शांति का अनुभव करते ही लगा कि यहीं यहाँ का दवा भी पावरफुल है, वायुमंडल शुद्ध हो गया। शुद्ध अगर मिलेगा तो बीमारी तो कम होना ही है। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और उसमें सिलाई होता है, उधर अस्थाई प्रदर्शनी लिखा हुआ है, उसमें सिलाई चलता है। हम आए हैं छपरा के आश्रम में, जिस आश्रम का नाम है रामकृष्ण मिशन आश्रम, जो फ्री में इलाज होता है गरीब बच्चों के लिए है। और यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, सेवा भी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं। आइए आइए, हम इनसे बात करके पूछते हैं आखिर आश्रम में क्या है क्या नहीं है। मैम आश्रम के बारे में, आश्रम हम 10 वर्ष से आ रहे हैं यहाँ। यहाँ आने के बाद शांति महसूस होता है, अच्छे से गरीबों का देखते हैं, सेवा होता है। और 10 वर्ष से गरीबों को इसमें अच्छा सुविधा उपलब्ध होती है। श्री महाराज जी का जो एथी है, वो आँख बनवाते हैं, देखते हैं इतना सेवा, जिसके पास पैसा नहीं है आज के डेट में उनका इलाज करवाना है, तो ये सब कुछ तो इसमें शक्ति है ईश्वर का, सब ईश्वर की कृपा से चल रहा है। और महाराज जी ने इतना सारा प्रोग्राम किया है, अभी हुआ था सेवा कहीं आश्रम में, तो उनके साथ मुझे भेंट मुलाकात हुआ, तो अब अच्छा लगा कि इतने अच्छा संस्था होने के बाद ही कितना सेवा कर रहा है। आपको इस आश्रम के बारे में कैसे पता चला? इस आश्रम में हमको पता नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ईश्वर ने ही हाथ पकड़ा कर लाया था यहाँ। हम तो भगवान को मानते हैं कि भगवान हर एक किसी हर एक रूप में, जो जिस रूप में मानेगा उसी रूप में है, तो ईश्वर लाए इस आश्रम में। हम देखे यहाँ का वातावरण और शांति, ढूंढते ही अनुभव होता है कितना गहन शांति है। इस शांति का अनुभव करते ही लगा कि यहीं यहाँ का दवा भी पावरफुल है, शांति के भगवान के वाइब्रेशन से, इसलिए यहाँ का अच्छा लगता है सब कुछ, वातावरण, चिड़िया, पशु पक्षी, सब चीज़ यहाँ का, ये सब गार्डन वार्डन, तो इसका वातावरण देखिए। पहले आइए हम आपको यहाँ का वातावरण दिखाते हैं, जो कि कितना ही अच्छा है। आप लाइब्रेरी, यहाँ का लाइब्रेरी के बारे में बताइए। लाइब्रेरी में जैसे कि अपना एथी कराकर आप उसमें आकर बुक पढ़ सकती हैं, उससे क्या प्रेरणा मिलती है हम लोगों को, अच्छे अच्छे बुक पढ़ने से अच्छी प्रेरणा मिलती है, कहानियों द्वारा चाहे जैसे, और मिलने के साथ उसको यूज करने से अच्छा लगता है, मन बुद्धि भी बहुत अच्छा रहता है। मन का जो वातावरण है इतना प्यारा है, इनके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए गार्डन कितना अच्छा अच्छा फूल है, और इससे आने के बाद घूमने के बाद इसका जो है खुशबू, और इसका जो वायुमंडल हो गया, वायुमंडल शुद्ध हो गया। शुद्ध अगर मिलेगा तो बीमारी तो कम होना ही है। लोग कहता है कोरोना चाहे कुछ भी, इसी के कारण तो है। ये सब पेड़ पौधे लगाएंगे तो इतना अच्छा जगह रहेंगे तो बीमारी नहीं होगा। ये अपने सही बात बोलिए। तो इधर भी देखिए बहुत अच्छा अच्छा फूल है, और यहाँ जो लेडीज लोग सेवा करती हैं वो भी फ्री में करती हैं अपना, और महाराज जी करवाते हैं सौर सफाई, चाहे पौधे लगाना, हर समय यहाँ काम कार्यक्रम चलता रहता है हमेशा। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और उसमें सिलाई होता है, उधर अस्थाई प्रदर्शनी लिखा हुआ है, उसमें सिलाई चलता है। बच्चों के लिए खेलने के लिए भी तो हो सकते हैं ना? हाँ, इसमें बच्चे खेलते हैं, इसमें बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं कि बाहर के भी, बाहर के भी बच्चे आते हैं, और आश्रम के भी बच्चे खेलते हैं। यहाँ कोई आने जाने का एथी नहीं, रोक टोक नहीं है। हाँ, अच्छे से गरीब सबका बच्चा आकर खेल कर घर में चला जाता है। फिर इधर ये जो मंदिर है देखिए, इसमें आते हैं लोग, बड़े बड़े लोग और बड़ा गरीब सबके लिए, मंदिर तो सबके लिए है, बड़ा छोटा इसमें कोई नहीं होता है। इसको अच्छा से जाकर इसमें लोग ध्यान करता है ईश्वर को पाने की। जैसा कि आप देख सकते हैं आश्रम का मंदिर है, ये देखिए मंदिर है, ये मंदिर में ऊपर जाने का रास्ता है जो कि भी ताला लगा हुआ है।
इधर ये सब पौधा हो गया, ये सब गार्डन होते हुए हम लोग उधर जाएंगे, आश्रम उधर है और इधर पक्षी का एथी रहने का एथी जगह भी है, पक्षियों का रहने का भी जगह है, पक्षी का भी खाना पानी सब मिलता है यहाँ। इस आश्रम में पंछियों को रखने की भी सुविधा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा अनोखा दृश्य है ये, कि पंछियों के लिए भी आश्रम में जगह बनाया गया है। कितना छोटा सा है छोटा है, अंदर दिख रहा है। इधर आश्रम के बगल में ये बुकवाला है जो लाइब्रेरी बोलते हैं इसको, लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, जिसको जैसा बुक चाहिए उसमें पढ़ता है। इसमें सिलाई सिखाया जाता है, चाहे ऑपरेशन होता है तो रह सकते हैं लोग, इसमें रहने का अथी होता है। लेडीज लोग आती हैं आश्रम के बाहर की, सब सिलाई उलाई सीख सकते हैं। किस चीज़ का ऑपरेशन? जैसे हर बीमारी का यहाँ इलाज होता है, आँख का, आँख का यहाँ से मैंने बाहर भी भेज देते हैं, नहीं तो यहाँ जैसे बवासीर बहुत सारा अपेंडिस कोई भी बीमारी का इलाज। आश्रम में अगर रुकना हो तो रुक सकते हैं, जगह दिया गया। जी जी जी, आइए है लाइब्रेरी। हाँ, बाहर से देख लीजिए एकदम इधर उधर है सब, बगल में गार्डन भी है। जैसा कि आप सबने देखा रामकृष्ण आश्रम के बारे में आप सबने जाना, ऐसी ही नई नई खबरें लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न्यूज़ सच तक। नमस्कार।